उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज नहायत ही मज़ेदार और आसान डिश बनाने जा रहे हैं और जिसकी रेसिपी बहुत आसान है, तड़का वाली दही। तो चलते हैं हम इसकी तैयारी की तरफ। वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तड़का वाली दही। तो देखें, ये दही को मैंने एक पाव लिया और इसको बीट कर लिया मैंने बहुत अच्छे से। अब इसमें जो है, अब मैं शामिल कर रही हूँ नमक। अब ये देखें कि मैंने 1/4 teaspoon जो है नमक लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसी तरीके से 1/2 teaspoon जो है मैंने काली पिसी हुई मिर्च ली है, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पहले इसको मैंने पतला भी नहीं किया है, गाढ़ा ही रखा जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम। जब ये मिक्स हो जाए, नमक आप देख लीजिएगा अपने जायके के मुताबिक कि आप तेज़ खाते हैं या कम खाते हैं। आप ये देखें, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम आपको इसके तड़का लगाने का तरीका बताएं। बस मैंने 2 टेबल स्पून बड़े वाले मैंने कुकिंग ऑयल लिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं ये डाल रही हूँ 5 अदद लाल साबित छोटी मिर्च। उसको ये जो मैंने आपको तड़का का बताया है कि तड़का लगाएंगे हम दही में। और इसी तरीके से चंद पत्ते जो है, तकरीबन 20-25 पत्ते कड़ी पत्ते के लिए हैं, वो इसमें गर्म करेंगे। पहले ये जब हल्का गर्म हो जाएगा ना, इसके साथ ही हमने ये लिया है 1 टेबल स्पून देवी लाल मिर्च, वो इसमें शामिल कर देंगे हम। इसको जलाएंगे नहीं, बस इसको तैयार हो गया, अब इसको दही में डालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब हम इसको दही में शामिल कर रहे हैं। दही में शामिल करके पहले इसको बहुत अच्छे से हम मिलाएंगे। इसको पहले मिलाते जाएंगे हम अच्छे से, ताकि दही और तेल तमाम चीज़ें और जो मसाले हैं वो एक जाएं। बस आपने देखा कि मैंने इसका तड़का भी किस तरह लगाया है। नहायत ही आसान है इसको बनाना, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको चावल, रोटी और पुलाव के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। आप इसको ट्राई करके मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।